मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कौसा जामा मस्जिद के पास आज शाम के वक्त पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाना पड़ा। दरअसल यहां से जैन समुदाय की एक यात्रा या फिर यूं कहें कि एक रैली जा रही थी, जिसमें जैन समुदाय के दो धर्म गुरु वो बिना कपड़ों के थे। मुमरा के कौसा में कुछ लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। लोगों का कहना था कि बिना कपड़ों के मुमरा की सड़कों से ये लोग जा रहे हैं। तमाम आम औरतें ऐसे में जिन्हें इन्हें देखकर शर्मिंदगी का सामना इन औरतों को करना पड़ रहा है। हालांकि जैन समुदाय की इस यात्रा में दो पुलिसकर्मी भी बंदोबस्त में लगाए गए थे। लोगों ने पुलिस वालों से इन्हें बिना कपड़ों के इस रास्ते से जाने की परमिशन है या नहीं है, इन सब बातों को लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया और यहाँ पर हंगामा काफ़ी बढ़ गया, भीड़ इकट्ठा होने लगी। हालांकि जैन समुदाय की जो यात्रा थी वो मुमरा से शील डायघर के तरफ चली गई, मगर इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलग पूरे बंदोबस्त के साथ कौसा जामा मस्जिद के पास पहुंच गए और भीड़ को यहां से हटाया गया। सीनियर PI अशोक कडलग ने बताया है कि उन्हें इस यात्रा की परमिशन दी गई थी, साथ में दो पुलिस कांस्टेबल भी बंदोबस्त में लगाया गया था। सभी धर्मों को अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है, मगर कुछ लोगों ने उन्हें रोककर पूछताछ की है, कुछ अलग ही माहौल यहां पर बन सकता था। इस मामले की आगे जांच पड़ताल की जा रही है। जो लोग परमिशन है या नहीं है और इन्हें रोकने की कोशिश की पूछताछ कर रहे थे, उन लोगों पर पुलिस का कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इन्हें रोककर पूछताछ कर रहे थे, पुलिस से परमिशन मांग रहे थे, उन लोगों ने भी क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलग ने भी क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनाते हैं। पुलिस स्टेशन में जो ऑर्डर वहाँ पे, तो ऑर्डर को भी यहाँ पे रोड पे होना चाहिए ना, और ये तो खुद ही हिफाजत के लोग हैं, उनको हिफाजत करना चाहिए लोगों की, तो ऐसा कैसा ही लेके जा रहे हैं। हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, हम सब धर्म की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पब्लिक एरिया वहाँ पे कम से कम वो जो पार्ट से उसको हाइड कर ले, बाद में ओपन भले कर ले। यहाँ पे माँ बहन, यहाँ पे औरतों को हम देखे वो फुरके से रुमाल से अपना मुँह छुपा दी, बिल्कुल ये जो हो रहा है वो गलत था। परमिशन यहाँ पे एक साथी ने बोले कि वो पुलिस स्टेशन में थे, लोग गए थे परमिशन लेने, वहाँ सीनियर नहीं थे, तो विदाउट परमिशन लोग पुलिस स्टेशन से निकले और यहाँ पे चलते थे। जैसे आपने बोले कि रात में निकलना चाहिए, तो रात में अंधेरे में निकालो, किसी को तकलीफ ही नहीं है, ये अपने रिलीजन को फॉलो कर ले, हमको उससे ज़रा भी तकलीफ। या तो अगर आप दिन में भी निकाल रहे हो तो थोड़ा कवर करके निकालो, आगे जो साइलेंट प्लेस है, जो शमशान जगह, वहाँ पे आप चलो जैसा आपको चल रहा है, कोई मना नहीं किया। 10-12 लोगों की रैली थी, मैं एक्चुअली जा रहा था अपने शॉप पर, तो वहाँ से मैं देखा कि पूरे नंगे दो लोग जैसे साधु बाबा टाइप के, वो लोग पूरे नंगे आ रहे थे, जैन समाज से ताल्लुक, हाँ दो मिनट पता नहीं मुझे कौन थे लोग, तो नंगे आ रहे थे पूरे। तो मैंने गाड़ी घुमाया, फिर हम लोग ने पुलिस वाले से बात की, भाई ये क्या तमाशा है कि बाजार में पूरी हमारे औरतों के सामने आप लोग इस तरह नंगे से आ रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हमारे पास परमिशन है, हम लोग बोले बताओ परमिशन लेटर, तो बोले नहीं लेटर तो है नहीं, हमारे हिसाब से बात हुई है। बोले ये इतना बड़ा तमाशा है, ये बिना ऐसा किसी भी लेटर के आप कैसा फोन पे बात करके आ सकते हो। तो हमने रुकाने की भी रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी रुकाया नहीं, लोगों ने कोई सपोर्ट किया, बल्कि उन लोगों को ऐसे जाने हमारी माँ बहनें जो है वो बल्कि एकदम शर्म के हमारे मुँह छुपा रही है, अरे भाई ये सब क्या तमाशा है, पूरा नंगा। सीनियर सर, आज यहाँ पर कुछ जैन समुदाय के लोग जा रहे थे और जिसको लेकर यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, क्या आप लोग पहुँचे यहाँ पर, क्या पूरा मामला इसके बारे में? कुछ जैन समुदाय के जो उनके जो धर्मगुरु रहे थे वो जा रहे थे मुमरा से डाइगर की तरफ, वो उनका जो धार्मिक का जो पहनावा रहता है वो पहनावे के हिसाब से वो जा रहे थे। कुछ लोग जो यहाँ थे उन्होंने उनको बोला कि अपने शरीर के ऊपर कपड़े पहना, उनको भी मालूम नहीं था, वो गलत फहमी में थे ये लोग कैसे जा रहे थे। बाद में हमारे पुलिस वाले ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे उनके साथ पुलिस भी थी, हमने बंदोबस्त भी दिया था, वो गलत फहमी दूर होने के बाद वो लोग परमिशन का पूछ रहे थे, क्या परमिशन थी उनको, परमिशन उनको है ना, बंदोबस्त उनको कंटिन्यू रहता है, इसलिए तो हमने बंदोबस्त दिया था, परमिशन रही थी। जैन धर्मगुरु रहते वो तो हर जगह उनका पहनाव ऐसा ही रहता है, माहौल थोड़ा अलग हो गया था उसके लिए लोगों से, क्या नहीं लोगों की यही अपील करता हूँ कि धर्मगुरु है, धर्मगुरु अपने अपने सबको अपने अपने धर्म का पालन करना अपने को अधिकार है, सबने उनका सम्मान करना चाहिए, और ऐसी कोई गलत फहमी होने के बाद कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कार्रवाई सख्त होगी। अभी तो सर जिन लोगों ने रोका था तो अभी उन पर कुछ कार्रवाई होगी
मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ और उसके ऊपर अगर एक्शन लेने की जरूरत है तो एक्शन भी लेंगे। उनको गलत फहमी हुई थी, उनको मालूम नहीं था कि ऐसे कैसे घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इंक्वायरी करेंगे। पहला ये माहौल तो कुछ ये नहीं था, नॉर्मल था। वो आगे धर्मगुरु निकल गए, जो परमिशन दी गई थी मुमरा पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई थी, उनको बंदोबस्त दिया था, ऊपर से आते सब। अच्छा, तो उसका कोई ऐसा कॉपी वगैरह हमको मिल जाए? मतलब कॉन्फिडेंस